डर गए जी। थैंक यू मैडम, आपने मुझे समय दिया इसलिए मैं धन्यवाद आपको। आज देश में क्या हो रहा है, खास करके क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एक मिनट। आज जो अभी सौगत राय जी ने जो समस्या आपके सामने रखी, बीजेडी के नेता भी आपके सामने अपनी बात रखी, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सरकार सीबीआई को एक हथियार बनाकर सभी अपोजिशन लीडर को खत्म करना चाहती है और अपोजिशन पार्टियों को खत्म करके एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोई भी अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है उसको दबाने की कोशिश हो रही है। जिस जगह, जिस स्टेट में उनको पैर रखने के लिए जगह नहीं है, उस जगह वहां पर जाकर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मैडम आप कहिए कि कौन सा कानून ऐसा बोलता है कि रात के 7 बजे जाकर आप एक पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करें और एक आदमी ने 40-40 लोग जाकर अगर अटैक करते हैं, इसको क्या कहें? फिर बंगाल में नहीं, ये बात लखनऊ में हो गई है, उत्तर प्रदेश में हुई है, कर्नाटक में हो रही है, चेन्नई में हो रही है, हर जगह जहां जहां पर उनके खिलाफ के पार्टियां हैं वो सभी के ऊपर वो अन्याय और अत्याचार और कर रहे हैं। अरे ये क्या है? बैठिए ना, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, बैठिए। यस मैडम, मैडम मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैडम हो गया ना मैडम, एक मिनट। आप सभी संस्थाओं को अगर इस ढंग से गैर इस्तेमाल करेंगे और सभी संस्थाओं से अगर दबाव डालेंगे, लोग झुकने वाले नहीं है, कोई पार्टी झुकेगी भी नहीं। मैडम, मैडम मेरा कुछ कहना है मैडम।